दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना लर्निंग लाइसेंस एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं, और साथ ही में दोस्तों आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप 100% गारंटी है कि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट प्रोसेस में दिखा सकें कि आप अपना लर्निंग लाइसेंस कैसे आसान तरीके से पास कर सकते हैं और कैसे आपको इंस्टेंट ही प्रिंट भी निकाल सकते हैं, यानी कि दोस्तों लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने किसी भी क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा परिवहन। उसके बाद आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट मिल जाएगी परिवहन.gov.in, आपको इसी वेबसाइट पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विस, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे नीचे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, आपको इसी ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद सेलेक्ट स्टेट नेम के ऊपर क्लिक करके अपना स्टेट के नेम के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, इस पॉपअप को क्लोज कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, मेरा स्कूटनी हुआ है, जनरेट हुआ है आईडी पासवर्ड, या फिर मेरा वीडियो यानी कि ट्यूटोरियल कंप्लीट है कि नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पेज पे आकर आप अपना स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले बॉक्स में अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरे वाले बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ भी सेम टाइप कर लेना है, और नीचे दोस्तों आपको कैप्चा मिलेगा, जैसा सेम कैप्चा दिख रहा है वही सेम कैप्चा को टाइप करके नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप स्टेटस पेज पे कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आप उसके बाद और नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों क्लिक हियर फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट का ऑप्शन आ गया है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने कब अप्लाई किया था, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और दोस्तों एक चीज मैंडेटरी है, जो कि आपको दोस्तों रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल यहाँ पे वॉच करना होता है। तो अगर आप यहाँ पे वीडियो देख लिए हैं तो हैज बीन वॉच का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल कम्प्लीट नहीं किया है तो क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके अपना ट्यूटोरियल वॉच जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपके पास कोई भी अदर क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमसे आप अगर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप भी कर देंगे तो 10 मिनट के अंदर आपका हम लर्निंग लाइसेंस पास करके भी भेज देंगे, आपका इतना हम हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों अब आपको कैसे पास करना है मैं इस वीडियो में वो प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे वीडियो सब कुछ कम्प्लीट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूटनी वगैरह सब कुछ आपका यहाँ पे कम्प्लीट है। तो दोस्तों चलिए मैं डायरेक्ट नए डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, उसके बाद आपको लाइव प्रोसेस में दिखा देता हूँ कि आपको लर्निंग लाइसेंस अपना एग्जाम कैसे पास कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों होम डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाना है, लर्नर लाइसेंस आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन LL टेस्ट यानी कि दोस्तों इंस्टॉल, आपको इसी ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब इसको मिनिमाइज यानी कि दोस्तों मैं मैक्सिमाइज ही कर लेता हूं बड़ा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप कर लेना है, और जैसा नीचे कैप्चा दिख रहा है वही सेम कैप्चा को टाइप करके डायरेक्ट यहां पे नीचे सबमिट के ऑप्शन पर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेना है, उसके बाद पासवर्ड भी टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पासवर्ड नहीं आया है तो रिसेंट का ऑप्शन मिलेगा, रिसेंट पे क्लिक करके अपना पासवर्ड भी रिसेंट कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपके फोन पर फिर से आपका पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां से और नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहां पे ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे नीचे देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन इज प्रोसेस, यानी कि दोस्तों आपका ऑथेंटिकेशन चालू हो गया है। दोस्तों आपका फोटो जैसे ही मैच कर जाता है आपको यहाँ पे दाहिने तरफ प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। और दोस्तों एक चीज अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपका ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ पर भेज दीजिएगा, मैं आपका लर्निंग भेज दूंगा। और दोस्तों अगर आपका यहाँ पे एक बार से ज्यादा भी हो जाता है, अगर आप 3 बार यहाँ पे कर लेंगे तो आपका फोटो अपलोड मांगेगा, क्योंकि दोस्तों आपके आधार कार्ड में अगर बचपन का फोटो होगा इसीलिए ऑथेंटिकेट यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रहना चाहिए, एग्जाम के समय आपका अदर पर्सन कोई भी फ्रेम में नहीं आना चाहिए, यानी कि दोस्तों कैमरे के सामने अदर पर्सन नहीं आने चाहिए, और आप डायरेक्टली कैमरे में दिखते रहिएगा, अदरवाइज आप किसी और नहीं दिखिएगा। और साथ ही में दोस्तों किसी भी तरीके की वायलेशन यानी कि आवाज नहीं आनी चाहिए,
दोस्तों आप यहां पे जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगला डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आकर कंटिन्यू के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों आपको सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर क्लिक करके आप यहां पे इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं यहां पे हिंदी चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे वाले में भी बॉक्स पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आपका यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है? तो मुझे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही दिखता है, इसलिए मैं पहले के चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल दोस्तों आपके यहाँ पे 30 सेकंड मिलते हैं, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दाहिने तरफ आपका स्कोर भी मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन सही था, यानी कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन मार्क आ चुका है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट स्कोर आ चुका है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो पहला है प्राथमिक चिकित्सा चौकी, मुझे यही सही दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों आप इसको चूज करके डायरेक्ट यहाँ पे नीचे कन्फर्म के आसन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन ओपन हो चुका है किस तरीके से। और दोस्तों क्वेश्चन है कौन सा चिन्ह बताता है कि एक तरफा यातायात है? तो मुझे लगता है दोस्तों दूसरा, अदरवाइज मैं यहाँ पे चौथा ही चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे तीसरा चूज कर लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे गलत करना है। मैं आपको गलत करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं 13-14 क्वेश्चन तक जाऊंगा। और चीज एक बता दूं आपको दोस्तों, 15 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिसमें से कम 9 पास करने रहेंगे। तो मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चूज कर डायरेक्ट यहाँ पे नीचे कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका चौथा क्वेश्चन ओपन हो चुका है, और दोस्तों यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, बाईं ओर उल्टा घुमाव है, मैं यही चूज कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे नीचे आ जाना है, उसके बाद कंफर्म के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन ओपन हो गया, तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं मेरा स्कोर 3 है, यानी कि दोस्तों मैं 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सही कर चुका हूँ, जो कि मैंने एक ही गलत किया था अभी तक। और टोटल मुझे 30 सेकेंड मिलते हैं, और यहाँ पे अपना नाम और अप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, बाई और सड़क है, इसको चूज करके मैं कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा ये भी सही था। अब दोस्तों छठवां क्वेश्चन ओपन हो चुका है, कौन सा चिन्ह बताता है कि यह पैदल पारपथ है? तो तीसरा ऑप्शन ही सही है, मैं इसको चूज कर लेता हूं। यहां पे स्कोर भी देख लीजिएगा दोस्तों, और नीचे आकर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहां पे देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो पहला ऑप्शन सही है क्रॉस रोड को, मैं इसे ही चूज करके डायरेक्ट यहाँ पे नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा, जो कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं आठवां क्वेश्चन। यहाँ आठवां क्वेश्चन है किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ना, जो कि दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, मैं यहाँ पे पहला ही चूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यह गलत करना है। तो मैं पहला चूज कर लिया, उसके बाद दोस्तों कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे गलत हो चुका है दोस्तों। टोटल मेरा 6 ही अभी तक क्वेश्चन सही है। उसके बाद दोस्तों मधुपान करके वाहन चलाना, जो कि दोस्तों सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है, तो तीसरा ऑप्शन सही है, मैं इसे चूज करके नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देता हूं, जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। और यहां पे आपको ऊपर और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर और यहां पे टाइम सेकंड देख सकते हैं। मैं इसे दोस्तों चाहता हूं कि मैं गलत करना चाहता, तो मैं यहां पे पहला ऑप्शन चूज कर लेता हूं, उसके बाद डायरेक्ट यहां पे नीचे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो मेरा ये भी क्वेश्चन गलत हो चुका है। अब दसवां क्वेश्चन आ गया है, एक पैदल पारपथ निकट जब पदयात्री पार कर रहे हैं तो प्रतीक्षारत, तो यहां पे तीसरा ऑप्शन सही है, वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार न कर ले, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चूज करके मैं कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 11वां क्वेश्चन ओपन हो गया, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है उस वाहन की बाईं ओर से, मैं यहाँ पे गलत कर देता हूँ, जो कि पहला ऑप्शन सही रहना चाहिए, उस वाहन की दाईं ओर से, मैं दूसरा ऑप्शन चूज करके कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब मेरा 12वां क्वेश्चन आ चुका है, यदि निकटतम कोई एम्बुलेंस हो तो, मुझे लगता है यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है, वाहन चालक को वाहन के किनारे अपना वाहन खड़ा करके रास्ता मुक्त कर देना चाहिए, इसे मैं चूज करके कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब मेरा यहाँ पे 13वां क्वेश्चन आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मेरा टोटल 8 क्वेश्चन सही हो चुका है, ऊपर दाहिने तरफ कोने में देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप 13 या फिर 14 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, उसके बाद मान के चलिए आपका दोस्तों 13 क्वेश्चन पे आ जाइएगा, अगर 8 क्वेश्चन आपका अभी तक नहीं सही हुआ है, तो आप
आप इसे अल्ट एफ फोर यानी कि दोस्तों विंडोज ही क्लोज कर लीजिएगा, यानी कि दोस्तों अगर आप क्रोम पे अपना एग्जाम दे रहे हैं तो क्रोम ब्राउजर ही क्लोज कर लीजिएगा, तब आप अपना फिर से एग्जाम दे सकते हैं, स्टार्टिंग हो जाएगा दोस्तों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट से अपना पुनः एग्जाम दे सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका कोई अदर परेशानी है, एग्जाम नहीं पास कर पा रहे हैं और आपका फेस ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है, तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैं आपका लर्निंग भेज दूंगा पास करने के बाद आपके विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन के। तो कुछ इस तरीके से मेरा 13वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, मेरा स्कोर 8 है जो कि मैं दोस्तों यहीं पर पास करने वाला हूं, मैं पास कर देता हूं, यहीं से मेरा लर्निंग लाइसेंस भी प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहां पे तीसरा ऑप्शन चूज कर लेता हूं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप यहां पे सारा इन्फॉर्मेशन एक बार ऊपर चेकअप कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 13वां क्वेश्चन पे भी आ चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और टाइम यहाँ पे देख लीजिएगा, टाइम के अंदर आपको यहाँ पे अपना आंसर भी देना रहता है। तो मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चूज करके नीचे कंफर्म के आसन पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म के आसन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी आप यहाँ पे पास हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी देख सकते हैं, और साथ ही में दोस्तों आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ आपका लर्नर लाइसेंस नंबर भी मिल जाएगा नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे अपना लर्निंग नंबर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट करना है। और यहाँ पे दोस्तों नीचे देख लीजिएगा, LMV यानी कि दोस्तों फोर व्हीलर होता है, और MCWG यानी कि दोस्तों मोटरसाइकिल विथ गियर होता है, यानी कि दोस्तों टू व्हीलर और फोर व्हीलर मेरा यहाँ पे दोनों लर्निंग लाइसेंस बन चुका है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे प्रिंट करना है तो एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू प्रिंट रिसिप्ट, लेकिन मैं दोस्तों यहां से एग्जिट कर लेता हूं। डायरेक्ट होम पेज पे जाने के बाद कैसे आपको लर्निंग प्रिंट करना है मैं आपको वो प्रोसेस बता देता हूं। तो यहां पे डायरेक्ट दोस्तों एग्जिट करके आप मैं होम पेज पे आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे पहले ओपन ऑप्शन मिल जाएगा लर्नर लाइसेंस, आपको इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन प्रिंट लर्नर लाइसेंस यानी कि दोस्तों फॉर्म 3, आपको इसी ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है दोस्तों। आप यहाँ पे जैसे फॉर्म 3 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगला डैशबोर्ड इस तरीके का ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पे अपना लर्निंग नंबर कॉपी किया था, इसलिए दूसरा ऑप्शन चूज कर लूंगा, और यहाँ पे अपना दोस्तों अपना लर्निंग नंबर कॉपी कर लीजिएगा, यानी कि दोस्तों फिर से पेस्ट कर लेना है, अपना टाइप कर लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, आपके फोन पर मैसेज भी चला गया होगा आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर। और दोस्तों यहाँ पर आप 3 चीजों से अपना लर्नर डाउनलोड कर सकते हैं, पहला है एप्लीकेशन नंबर, और दूसरा है लर्निंग नंबर, और तीसरा है मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पे लर्नर नंबर से टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे सेम कैप्चा टाइप करके डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लास्ट का 4 अंक आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया होगा, यही लास्ट 4 अंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसी पर ओटीपी जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है फोन पे दोस्तों 6 अंक का। मैं यहाँ पे उस ओटीपी को इस बॉक्स पर क्लिक करके टाइप कर लेता हूँ, तो ओटीपी एक बार टाइप कर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है दोस्तों। आप यहां पे जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहां पे देख सकते हैं आपका सक्सेसफुल लर्निंग डाउनलोड हो चुका है, यहां पे आप इशू डेट यानी कि आज का डेट भी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहां पे आपका लर्निंग नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और साथ में आपका फुल इन्फॉर्मेशन यानी कि दोस्तों जैसे कि नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर दोस्तों आपका फोटो और सिग्नेचर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे और नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर दो चीज जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, आपका लर्निंग लाइसेंस मोटरसाइकिल विथ गियर यानी कि दोस्तों MCWG यानी कि टू व्हीलर होता है दोस्तों, और लाइट मोटर व्हीकल यानी कि फोर व्हीलर जो कि LMV होता है। और नीचे आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे कब से कब तक वैलिड है, जैसे कि मेरा आज का डेट से इसके 6 महीने बाद तक वैलिडिटी है। और दोस्तों अगर इसको परमानेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के 1 महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे दोस्तों आप यहाँ पे लास्ट एक्सपायरी डेट भी है, उसके अंदर आपको परमानेंट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, जैसे कि मेरा इशू डेट आज का है तो आज से 1 महीने बाद मैं परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और साथ ही में दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाते रहें। और दोस्तों अगर आपके मन में अदर क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपका कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।